rahman rahim assalamu alaikum dear students class 3 i hope all of you are fine and doing well at home this is your math class so welcome you all in your online math class in this video we'll start unit number one so let's open your book okay unit number one review and assess review and assess me कि अपने आप को जांचना कि हमें जो आ, करवाया गया है जो कुछ सिखाया गया है वो अब हमें कितना आता है हमने कितना लर्न किया है ठीक है तो इसकी एक्सरसाइज हम क्विकली कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे नाउ वील हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर वन ऑफ यूनिट नंबर वन एक्सरसाइज वन राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर्स इन रेड तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने क्या करना है ये आपको नंबर्स गिवन है जैसे आपको नजर आ रहा है कि हर एक नंबर में एक डिजिट जो है वो रेड से लिखा गया है ठीक है आपसे कहा गया है कि रेड वाला जो नंबर है उसका प्लेस वैल्यू लिखे यानी वो किस कॉलम में है वो वंस के कॉलम में है टेंस के कॉलम में है या फिर हंड्रेड प्लेस पर है ठीक है तो इसके ऊपर ही हम इसको लिखेंगे ताकि ये हमारा एक्सरसाइज जो है बुक पर ही सॉल्व हो जाए फर्स्ट है थ्री नाइनटी नाइन लास्ट डिजिट जो है ये रेड से है तो ये किस कॉलम में आता है ये वंस के कॉलम में यहां पर आप लिखेंगे जीरो यानी ओ या फिर यू यानी वंस के कॉलम में थर्टी टू थर्टी टू में थ्री जो है वो रेड है तो ये टेंस के कॉलम में है इसके ऊपर हम लिखेंगे टी थ्री जीरो नाइन जीरो किस कॉलम में आता है टेंस के कॉलम में सेकंड कॉलम है तो वो टेंथ का कॉलम होता है फर्स्ट कॉलम वंस का देन टेन एंड देन हंड्रेड ओके टू किस कॉलम में है टू जो है उसके ऊपर हम लिखेंगे एच यानी हंड्रेड के रो में है फाइव डबल जीरो फाइव हंड्रेड सो लास्ट डिजिट है यानी वंस इसके ऊपर आप लिखोगे ओ ठीक है ओके ट्वेंटी टू ये भी ओ आता है यानी वंस में है एट ये भी वंस नाइन इसके ऊपर आप लिखेंगे टी ठीक है वन एटी फाइव वन किस कॉलम में है वन हंड्रेड के कॉलम में यानी थर्ड रो है तो हंड्रेड फर्स्ट रो पर लाइन है तो उस पर आप वन लिखोगे यानी ओ लिखोगे सेकेंड कॉलम है सेकेंड नंबर है सेकेंड डिजिट है तो उस पर लिखेंगे टेन यानी टी और थर्ड कॉलम है या थर्ड डिजिट है तो उस पर हम लिखेंगे एच यानी हंड्रेड के रो में है ठीक है अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर टू राइट द नंबर्स एज इंस्ट्रक्टेड यानी नंबर्स लिखे जिस तरह आपसे कहा जा रहा है सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू नंबर्स आफ्टर थर्टी फोर स्टूडेंट्स आई नो के आपको काउंटिंग आती है अब आप मुझे बताए कि थर्टी फोर के बाद कौन सा नंबर आता है जी थर्टी फाइव तो हम यहाँ लिखेंगे थर्टी फाइव अब यहां पर लिखा हुआ है टू नंबर्स इट मीन्स हमने आगे दो नंबर्स लिखने हैं थर्टी फाइव एंड थर्टी सिक्स ठीक है ओके नंबर टू द नंबर बिटवीन टू थर्टी फोर एंड टू थर्टी सिक्स अब इन दोनों नंबर्स के दरमियान में कौन सा नंबर आता है वो आपने ब्लैंक में लिखना है तो यहां पर हमारे पास आएगा टू थर्टी फाइव फाइव हंड्रेड एंड नाइनटीन अब ये वर्ड्स में लिखा हुआ है ये नंबर नेम है इससे हम नंबर बनाएंगे यानी ये वाला नंबर हम ब्लैंक में लिखेंगे नंबर क्या है फाइव हंड्रेड एंड नाइनटीन तो फाइव हंड्रेड नाइनटीन ठीक है वन टू थ्री थ्री डिजिट नंबर हमारे पास बन गया फाइव हंड्रेड एंड नाइनटीन नंबर फोर हमारे पास है फाइव लेस देन फोर्टी फाइव ठीक है यानी फाइव लेस देन फोर्टी फाइव यानी हमने वो नंबर लिखना है जो फोर्टी फाइव से फाइव माइनस करके आता है तो यहाँ पर हमारे पास क्या नंबर आएगा फोर्टी ठीक है यानी ये फाइव माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो तो हमारा नंबर बन जाएगा फोर्टी ओके फिफ्थ वन हमारे पास है वन हंड्रेड एंड सिक्स ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास आ गया वन सेवनटी सिक्स देन नाइन हंड्रेड एंड फोर यानी नाइन हंड्रेड और फिर हमारे पास वंस के कॉलम में फोर है टेन वाला नंबर नहीं है तो वहाँ पे हम लिखेंगे जीरो क्योंकि हंड्रेड वाला नंबर जो है वो थर्ड डिजिट होता है यानी वन टू थ्री तो नाइन जीरो फोर नाइन हंड्रेड एंड फोर सम ऑफ द फर्स्ट सिक्स नंबर्स तो पहले आपने ये लिखने हैं कि फर्स्ट सिक्स नंबर कौन कौन से हैं ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब हम इसमें एडिशन का जो साइन है यानी प्लस का साइन वो लगाएंगे और अब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा ट्वेंटी वन ठीक है वन प्लस टू थ्री थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स प्लस फोर टेन टेन प्लस फाइव फिफ्टीन और फिफ्टीन में जब सिक्स ऐड होता है तो वो बनता है ट्वेंटी वन द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर स्टूडेंट्स अगर स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट है टू डिजिट जो भी है तो उसमें लेफ्ट साइड वाला एक नंबर वन होगा और बाकी जितने डिजिट्स हैं उसकी जगह हम जीरो जीरो लगाएंगे ठीक है अब यहाँ हमारे पास है थ्री डिजिट यानी हमारे पास टोटल तीन नंबर्स होने चाहिए जिसमें लेफ्ट वाला जो है वो वन और टू टाइम्स जीरो तो ये थ्री डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बन गया ठीक है नंबर नाइन वन लेस देन द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर वन लेस देन द ग्रेटेस्ट अब ग्रेटेस्ट है तो ग्रेटेस्ट मीन हम वो नंबर लिखेंगे जिससे बड़ा पर कोई दूसरा नंबर नहीं है यानी थ्री डिजिट में उससे बड़ा नहीं होता ठीक है तो ग्रेटेस्ट नंबर हमेशा नाइन होता है अब थ्री डिजिट है तो हम थ्री टाइम्स नाइन लिखेंगे ठीक है यानी नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन ये थ्री डिजिट में सबसे बड़ा नंबर है अब यहाँ हमारे पास है कि वन लेस देन यानी उससे एक कम तो इसे आप एक माइनस करोगे तो लास्ट वाला जो नाइन है जब इससे एक चला जाएगा तो हमारे पास नंबर बन जाएगा नाइन हंड्रेड नाइन्टी एट ठीक है नंबर टेन टेन मोर देन द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर अब स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर क्या होता है यानी जो स्मॉलेस्ट टू नंबर जो टू डिजिट कन्वर्ट हो जाते हैं तो नाइन के बाद आता है टेन टेन जो है वो स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर है ठीक है यानी टेन हमारे पास क्या है स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर अब यहाँ पे लिखा हुआ है टेन मोर ठीक है यानी हम इस टेन में टेन प्लस करेंगे टेन और ज्यादा हो जाएगा तो हमारे पास नंबर क्या बनेगा ट्वेंटी ठीक है इसी तरह फाइव हंड्रेड एंड एट हमने लिखना है फाइव जीरो एट नाइन हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स नाइन सेवनटी सिक्स सेवन हंड्रेड एंड टेन ठीक है ये हमारा एक्सरसाइज नंबर टू कंप्लीट हो गया है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर थ्री टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज